हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एच सी वर्मा के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर। फिगर यहां डायग्राम बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय 10। द पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहां सूडो एक्सेलेरेशन के बारे में बात करेंगे, जो पिछले हमने वीडियो में बताया था आपको। सूडो एक्सेलेरेशन होता क्या है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया जाए तो उस पर भी एक एक्सेलेरेशन जनरेट होता है, जिसकी डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, इसको सूडो एक्सेलेरेशन बोलते हैं। यही कंसेप्ट यहां पर भी हम लगाएंगे। यहां पर आप देख रहे हो कि एक एलिवेटर है, जिसे हम लिफ्ट भी बोल सकते हैं, और वो जो लिफ्ट है G/10 वो ऊपर की ओर, G/10 से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस पर एक एडिशनल, इन ब्लॉक्स के ऊपर, ए और बी ब्लॉक्स के ऊपर एक एडिशनल G/10 मेन जी के ऊपर या एक्सेलेरेशन के ऊपर जो जुड़ेगा वो G/10 भी जुड़ेगा। तो हमारे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है, जिसके ऊपर स्ट्रिंग के थ्रू ये दो ब्लॉक लटके हुए हैं। ए ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, बी ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है। हमें बताना है कि ये जो वेट है स्प्रिंग बैलेंस कितना शो करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक ए के बारे में बात करेंगे। ए लिफ्ट जो है, ए ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है, ए ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन ज्यादा है। टेंशन ज्यादा है तो टी माइनस, और नीचे की तरफ जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, वेट लगेगा। वेट होता है एमजी, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि G/10 एडिशनल लगेगा, मतलब 1.5 जी के साथ एक एडिशनल G/10 भी लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन होगा 1.5 ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, t माइनस, और यहां पर 1.5 और 10 जी और जी, ये हो गया आपका 11G/10 इक्वल टू 1.5 ए। इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 16.5G/10 इक्वल टू 1.5 ए। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसी प्रकार से हम बी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। बी ब्लॉक का वेट है 3 kg, जो कि नीचे जा रहा है। तो इसमें भी आपके जी के साथ में एडिशनल G/10 ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये G/10 ऊपर की ओर जा रहा है, तो G/10 एक एडिशनल नीचे की ओर लगेगा, सूडो एक्सेलरेशन लगेगा। तो अब यहां पर टेंशन में से घटेगा, टेंशन इसमें से घटेगा, और इसमें एक्सेलेरेशन लगेगा 3a, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 × 11G/10 − t = 3a, तो ये हो गया 33G/10 − t = 3a। ये इक्वेशन नंबर हुई सेकेंड। अब सबसे पहले अगर अपने को t निकालना है तो एक्सेलेरेशन a भी निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर 33G/10 − 16.5G/10, और टी और ये टी तो कैंसल आउट हो गया, ये ऐड हो जाएगा 1.5A, और 3A हो गया 4.5A हो गया। तो यहां पर इस 10 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 33G − 16.5G = 4.5A। 10 का अगर इधर इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10G, और इसमें से माइनस करते हैं तो 16.5G बचेगा, और इस 10 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 45A। अब हमारे पास G की वैल्यू रख देते हैं हम 10। वैसे जनरली क्वेश्चन में 9.9 दे रखा है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके आंसर में उसके नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये 10 रख दिया,
और नीचे 45 a, तो ये हो गया आपका 165/45 = a, जो कि कैंसल आउट करने पर a की वैल्यू आएगी 11/3। ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दें, तो इससे हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो अब t की वैल्यू कितनी आती है, t की वैल्यू मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में t की वैल्यू रख दी। t की वैल्यू रखने पर यहां पर t माइनस 165 10 कंसीडर कर लिया, 10 की इंटू कर दिया, और ये 10 और इक्वल टू 1.5 इंटू 11/3 अगर सब्सटीट्यूट कर दिया तो t की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 22 न्यूटन। अब 22 न्यूटन है तो हमको तो मालूम है कि ये t और ये t, तो कुल मिलाकर के 2t इसका वेट होता है, मतलब 44 न्यूटन। लेकिन अपने को किलोग्राम चाहिए, तो किलोग्राम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 4 से डिवीजन लगाना पड़ेगा, 10 से डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो 10 से डिवीजन लगा लिया तो क्या आएगा, 4.4 kg, ये इसका आंसर रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, किलोग्राम जब होता है तब हम उसमें 10 का इंटू कर देते हैं या 9.8 का इंटू कर देते हैं, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमने 10 का डिवीजन कर दिया तो उसका एक्चुअल वेट जो आएगा वो 4.4 आएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।